नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ ग्रीन टी स्क्रब बनाने के लिए। हम लेंगे 2 टीस्पून ऑफ ग्रीन टी लीव्स। मैंने यहाँ पे लूज टी लीव्स लिया है। अगर आप यूज़ किया हुआ या फिर ना यूज़ किया हुआ जो टी बैग्स मिलता है वो भी आप ले सकते हो। तो एक ग्राइंडर में डालेंगे एंड इसका एक पाउडर बना लेंगे। आप देख सकते हो स्मूथ पाउडर बनना चाहिए। अगर आप यहाँ पे यूज़ किया हुआ ग्रीन टी लीव्स यूज़ करना चाहते हो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया है ग्रीन टी टोनर। मैंने वहाँ पे जो ग्रीन टी यूज़ किया था उसे मैंने सनलाइट में ड्राई कर लिया था, वो भी मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। बहुत ही थोड़ा सा था बट मैंने यूज़ किया है। एंड इसमें डालूँगी मैं अबाउट 1 फुल टीस्पून ऑफ बेसन। सो इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून ऑफ हनी एंड इसे अच्छी तरह मिक्स करूंगी। पहले थोड़ा सा हो, थोड़ा सा मिक्स करने के बाद थोड़ा लम्स फॉर्म हो गया है बट हम इसको थोड़ा सा और मिक्स करेंगे एंड देन फिर से हनी डालेंगे अबाउट 1 टीस्पून। मॉइस्चराइजर फॉर योर स्किन एंड ऑल्सो फॉर योर हेयर। सो 2 टीस्पून इज़ एनाफ हियर। हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। Giving water into it, आपको बहुत ही थोड़ा सा amount of water डालना होगा इसमें paste बनाने के लिए। But before that आप देख सकते हो जितना भी lumps form हुआ है उसे मैं थोड़ा सा break कर दूंगी। मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून of water use किया है। अगर आप चाहो तो आप rose water भी use कर सकते हो। मेरा rose water ख़त्म हो गया था and lockdown चल रहा है तो मैंने नया वाला rose water अभी तक order भी नहीं किया है। सो आप देख सकते हो पेस्ट बन चुका है। आपको बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है बिकॉज बहुत ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी हमें नहीं चाहिए एंड वी हैव टू मिक्स इट प्रॉपरली सो दैट कोई भी लम्स ना रहे। गाइज इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, ना बहुत थिक होगा ना बहुत ज़्यादा रनी होना चाहिए, बिल्कुल एक परफेक्ट वाला कंसिस्टेंसी आपको मिलेगा। ग्रीन टी इज़ वेरी गुड फॉर आवर स्किन। आपके स्किन में अगर पिंपल्स है, एक्ने मार्क्स है वो दूर कर देगा, पिगमेंटेशन को दूर करता है। एंड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है बेसन विच इज़ अ नेचुरल एक्सफोलिएटर। तरह अच्छी तरह बन के रेडी हो गया है एंड यू कैन सी द क्रीमी कंसिस्टेंसी। एंड जिनका सेंसिटिव स्किन है वो भी ये बहुत ही इजीली यूज़ कर सकते हैं। जिनके फेस में बहुत ज़्यादा डलनेस है स्किन में वो ये ज़रूर यूज़ करें। टाइम फेस स्क्रब, वॉश योर फेस। मैं यहाँ पे थोड़ा सा टोनर यूज़ करूँगी। ये वही ग्रीन टी टोनर है होममेड जो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया है। आप वो भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपने वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है गाइज प्लीज़ डू चेक इट आउट। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव टोनर है। मैं थोड़ा सा अप्लाई करूँगी। और एक चीज़ गाइज, जब भी आप टोनर कोई भी स्क्रब यूज़ करो मेक श्योर दैट योर फेस इज़ वेट। ड्राई स्किन पे बिल्कुल भी स्क्रब अप्लाई नहीं करना है बिकॉज दैट कैन लीड टू ब्रेकआउट्स एंड एक्ने प्रॉब्लम्स। आपको थोड़ा सा ही अमाउंट लगेगा पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद। आपको अच्छी तरह स्क्रब करना है विथ 2 फिंगर्स। आप देख सकते हो मैं अपने टी जोन एरिया पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर रही हूँ एंड अराउंड माय माउथ एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है यूजुअली वहाँ पे ज़्यादा पिगमेंटेशन होता है। टी जोन एरिया पे पोर्स होता है जहाँ पे डर्ट हो तो एक्ने एंड पिम्पल्स का प्रॉब्लम हो जाता है। सो उसे भी हम अच्छी तरह क्लीन करेंगे। अबाउट 2 मिनट्स तक मसाज करने के बाद नॉर्मल वाटर से हम फेस को धो लेंगे। वॉचिंग माई फेस यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा स्किन सॉफ्ट एंड ग्लोइंग हो गया था एंड यू कैन सी ऑल द मार्क्स। मैं 2 दिन से यूज़ कर रही हूँ एंड थोड़ी बहुत जो एक्ने मार्क्स था वो काफ़ी हद तक लाइटन अप हो गया है। सो गाइज दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।